चार दिवसीय पश्चिम एशियाई देशों की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलिस्तीन पहुंचे, जहां वो यासिर अराफात म्यूजियम भी गए। लेकिन क्या आप यासिर अराफात के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन थे यासिर अराफात। यासिर अराफात म्यूजियम फिलिस्तीन के दिवंगत नेता यासिर अराफात के नाम पर बनवाया गया है। ये म्यूजियम फिलिस्तीन के लोगों की एकजुटता का प्रतीक है। हाल ही में इसे आम लोगों के लिए खोला गया। यासिर अराफात फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के अध्यक्ष थे। अराफात पहले ऐसे शख्स थे जिन्हें किसी राष्ट्र का नेतृत्व न करते हुए भी संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। यासिर अराफात म्यूजियम में अराफात के सभी निजी सामानों का संग्रह है। म्यूजियम में उनके लिखे नोट्स और जन्म से लेकर मृत्यु से जुड़ी हर एक चीज मौजूद है। यासिर अराफात 1968 में फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के मुखिया बने। पीएलओ कई संगठनों को मिलाकर एक बड़ा संगठन 1964 में बनाया गया और इसका लक्ष्य रखा गया था अपने भविष्य के बारे में फिलिस्तीनियों के अधिकार हासिल करना। यासिर अराफात कई साल से रमल्ला में अपने ही मुख्यालय में नजर बंद थे और अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में अचानक उनकी तबीयत बेहद खराब हो गई। उन्हें इलाज के लिए फ्रांस ले जाने की बात चली तो जॉर्डन ने रमल्ला से उन्हें अमान पहुंचाया। अमान से फ्रांस का एक जहाज अराफात को लेकर पेरिस पहुंचा और वहां उन्हें एक सैन्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर हो गई और कुछ दिन बाद वो अचेतावस्था में चले गए। मौत से कुछ दिन पहले उनके दिमाग की नसें फट गई थी। अराफात अचेतावस्था में जाने के बाद कई दिन तक जिंदगी और मौत के बीच की स्थिति में रहे और एक दिन तो इजरायली मीडिया ने उनकी मौत होने की खबर दे दी। लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री ने भी अराफात की मौत की पुष्टि कर दी थी, लेकिन पेरिस में अस्पताल के एक अधिकारी ने पत्रकार सम्मेलन करके बताया कि अराफात जिंदा हैं। उनकी जिंदगी और मौत के बारे में विवाद भी उठा और उनकी पत्नी सुहा अराफात ने कुछ विवादास्पद बयान भी दिए। उन्हें मशीनों के सहारे जिंदा रखा गया और आखिरकार 11 नवंबर 1904 को तड़के ही उनकी मौत हो गई। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, नई दिल्ली।